अब बात करते हैं अबाउट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इट इज जस्ट लाइक द एवरेज फिक्स खाली फर्क ये होता है कि एवरेज कॉस्ट में हम टोटल फिक्स डिवाइडेड बाई क्वांटिटी करते थे यहां पे हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी करेंगे ठीक है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट होता है इट इज कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाई द टोटल आउटपुट दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टीवीसी यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सिंपल अब एक बार के लिए हम लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भूल जाते हैं हम याद करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को याद है मैंने आपको बताया था कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन आउटपुट एंड डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन आउटपुट तो देखो यहां पे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव और हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है जीरो सिक्स टेन फिफ्टीन ट्वेंटी फोर एंड थर्टी फाइव बट इज दिस द सेम केस वेन इट कम्स टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई द आउटपुट दैट इज डिवाइडेड बाई द क्वांटिटी तो करके देखते हैं जीरो बाई जीरो प्लीज वन मंथल अब यहां पे एक चीज जो हमें नोट करने की जरूरत है दैट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट तो हमने देखा था कि वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है बट यहां पे देखो यहां तक तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है और इस पॉइंट के बाद में फाइव सिक्स और सेवन इट इज इंक्रीजिंग तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आखिर में कैसे रन करता है हाउ डज इट फंक्शन याद है आपको मैंने आपको बताया था कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इट इनिशियली इंक्रीजेस एट ए डिक्रीजिंग रेट बट लेटर ऑन इट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट तो अब अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज होगा

अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जहां पे हम बात करने वाले अबाउट द एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट